नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली धानिक स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत हो चुकी है। घर के अंदर जाने वाले 13 सदस्यों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया भी शामिल है। हाल में ही वो शो में अकेली बैठकर इमोशनल होती हुई नजर आई। दरअसल वो अपने बच्चों को, खास तौर पर अपने बेटे को लेकर काफी परेशान थी। आलिया को यूं रोता देख अभिषेक मल्हान उनके पास आए और उनसे पूछा कि वो क्यों रो रही हैं। इस पर आलिया ने बताया कि वो अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हैं। स्पेशली अपने बेटे के बारे में बात करते हुए आलिया ने कहा, मेरा बेटा मेरे जैसा है, वो सब कुछ अपने अंदर ही रखता है। अगर उसे मेरी याद आएगी तो वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। आलिया ने कहा, मैं भी वैसी ही हूँ, मैं अपनी परेशानियाँ अपने अंदर ही रखती हूँ, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। मेरा बेटा भी बोल नहीं पाता, फिर वो बीमार हो जाता है। परेशानियों के बारे में सोच सोच कर वो बीमार हो जाता है। उसको बुखार हो जाएगा या कुछ भी हो तो उसे उस समय मेरी ज़रूरत होती है। सच में अगर मैं डिवोर्स नहीं लेती और कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ कर आती। मैंने केवल अपने करियर के लिए ही ये फैसला लिया है। मैं बाथरूम में थी जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। लेकिन ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है कि हम हाथ में लिया हुआ काम पहले ख़त्म करें। बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले जब आलिया शो के होस्ट सलमान से स्टेज पर मिली थी तो उन्होंने कहा, नवाजुद्दीन ने ही मुझे इस शो में जाने के लिए राजी किया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बिना किसी टेंशन के शो में जाऊं। वो बच्चों को वेकेशन के लिए पेरिस ले जाएंगे। सलमान से बातचीत के समय आलिया ने इशारों इशारों में बताया कि नवाज ने आज तक उन्हें कभी इतना सपोर्ट नहीं किया जो वो अब कर रहे हैं। बीते 19 साल साथ गुजारने पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कभी भी आलिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जो वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं। शायद कुछ रिश्ते हम उतनी अच्छी तरीके से तब नहीं निभा पाते जब हम उन रिश्तों में होते हैं, लेकिन एक बार अगर वो रिश्ता छूट जाए तो हमें उसके होने का एहसास होता है। हमें एहसास होता है कि वो रिश्ते कितने ज़्यादा ज़रूरी थे। लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी साथ। भले ही वो एक अच्छे पति ना बन पाए, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छे पिता बनने की। और जहाँ तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात की जाए तो आजकल वो अपनी नई मूवी का प्रमोशन करने में काफ़ी बिजी हैं। अब देखते हैं, जिस तरीके से आलिया ने बताया है कि वो अपने बच्चों को पेरिस लेके जाएंगे, आशा करते हैं नवाज अपनी इस बात पे खरे उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। धन्यवाद।